आईलर्न क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के दंड कारण्य पठार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो मैं ये बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण एरिया भाग है, जो दंड कारण्य पठार है, वहाँ वहाँ बहुत ही कुछ खनिजों की संभावना है। जो ये पहाड़ी है, ये जो मैप है, ये किस तरह से ये हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग को दर्शाती है, ठीक है दोस्तों। तो दंड कारण्य का पठार में छत्तीसगढ़ की दक्षिण दिशा में फैला है। ये जो हमारा जो साउथ बस्तर है, जो जो दक्षिण भाग है, वो छत्तीसगढ़ की दक्षिण दिशा में फैला है, यह विस्तृत है, ठीक है। और यह जो है ना धारवाड़, क्योंकि यहाँ जो लोहे, जो यहाँ की जो शैल है, जो धारवाड़ है, युगीन शैल है, ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट तथा नीस पाए जाते हैं। धारवाड़ शैल के कारण ही यहाँ लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है, ओके। ग्रेनाइट तथा नीस से समृद्ध होने के कारण खनिज में लोहा लोहा होता है, लोहा, टीन, ये लोहा, टीन, कोरंडम, अभ्रक अभ्रक, हीरा पाई जाती है। इस कारण इसे खनिजों की भूमि कहते हैं, ठीक है, इसे खनिजों की भूमि कहा जाता है। और जो इसकी भूगर्भीय बनावट है, जो भूगर्भ बनावट है वो कैसी है, ये जो चट्टाने हैं, ये जो एरिया है, ये आर्कियन युगीन शैल यानी धारवाड़ शैल का समूह है। यानी जो प्राचीन आर्कियन युग शैल प्राचीनतम शैल है, ठीक है, ये प्राचीनतम शैल से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है, धारवाड़ से समूह, ठीक है। और खनिज क्या है इसमें, लोह अयस्क पाए थे। ये जो भूमि देख रहे हैं, बैलाडीला पहाड़ी, ये यहाँ पर केवल लोहे लोहे की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। लोहे की मात्रा यहाँ की जो पत्थर है, धारवाड़ है, जिससे क्या है, जो पत्थर बहुत ही ठोस पाए जाते हैं, तो इस कारण यहाँ लोहे अधिक मात्रा पाए जाते हैं, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई है, ऊपर नीचे कितना है, 600 मीटर है, ठीक है। और जो ढाल है, इसकी जो ढाल है, इस ढाल है दक्षिण की ओर, ठीक है, ओके। और सबसे ऊंची चोटी, इसको सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, जो ये बैलाडीला की पहाड़ी में, ठीक है, ये बैलाडीला पहाड़ी में नंदीराज की चोटी है, जो 1210 मीटर ऊंची है। छत्तीसगढ़ पीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाती है कि दक्षिण बस्तर में दंड कारण्य पठार में सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो वह है नंदीराज, वह है बैलाडीला की पहाड़ी में 1210 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये अपवाह तंत्र है, जो ये इस एरिया है, वहां क्या अपवाह तंत्र है, कौन सी नदी बहती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जो दक्षिण बस्तर की जो गंगा कहलाती है, वो इंद्रावती नदी है, ठीक है, ये इंद्रावती नदी बहती है। फिर कोटरी, नारंगी और डंकनी संखनी, डंकनी संखनी के तट पर तो दंतेवाड़ा बसा है, दंतेश्वरी मंदिर, ठीक है। उसके बाद सबरी सबरी, ठीक है, वन दंड कारण है बस्तर को, जो दक्षिण बस्तर है दोस्तों, उसको साल वनों का द्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं साल वनों का द्वीप, क्योंकि यहाँ साल वनों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। इतने घने वन है साल वनों, साल वन की पूरा एरिया जो दक्षिण बस्तर है, साल वनों से ढका हुआ है, इसलिए साल वनों का द्वीप कहते हैं, ठीक है। मिट्टी, और जो ये दक्षिण बस्तर की जो मिट्टी क्या है, यहाँ लाल बलुई एवं लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जो इनकी कलर है, क्यों, लाल बलुई एवं लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और प्रमुख उपभाग, ठीक है, प्रमुख उपभाग से पहले हम देखते हैं कि जो यहाँ की जो फसलें हैं दक्षिण बस्तर में, क्या क्या फसलें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ कोदो, कुटकी, सांवा, रागी, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सांवा भी होता है, रागी, राडी, कुल्थी, ठीक है, कुल्थी, ये फसलें यहाँ मोटी अनाज वाले फसलें होती है, क्योंकि जो मिट्टी का रंग है वो लाल बलुई, लाल बलुई एवं लाल दोमट मिट्टी है, ठीक है, जो मिट्टी का रंग हल्का इसमें लाल टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रमुख विभाग, जो सबसे पहले प्रमुख विभाग में कोटरी नदी बेसिन, ठीक है, ये कोटरी नदी बेसिन, इसके अंदर क्या है, ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ये जो दक्षिण, ये पश्चिम, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोटरी बेसिन, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम भाग में, ये दक्षिण, ये पश्चिम भाग में स्थित, ठीक है। उसके बाद अबुझमाड़ की पहाड़ी है, ये अबुझमाड़ की पहाड़ी, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं मैप में, ये अबुझमाड़ की पहाड़ी है, ठीक है, ये अबुझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, अबुझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद ये आता है उत्तर पूर्वी का पठार, उत्तर, अब इसमें उत्तर पूर्वी पठार कौन सा, ये जो उत्तर, ये पूर्वी पठार, ठीक है। उसके बाद दक्षिण का पठार, फिर दक्षिण का पठार, ये जो एरिया है ना, ये दक्षिण का पठार कहलाता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है गोदावरी सबरी बेसिन, गोदावरी सबरी, ये पूरे एरिया में गोदावरी सबरी बेसिन है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका
दंडकारण्य भूस्खलन के लिए। इसमें सबसे पहले बताऊं कि जो इस दंडकारण्य है कितने भागों में विभक्त है, जो ये पठार है दंडकारण्य, यहाँ क्या क्या ऊपर नीचे पहाड़ी समतल क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले है रावघाट की पहाड़ी, जो सबसे बड़ा दक्षिण बस्तर पठार है ना, जहाँ लोह खनिज की मात्रा है रावघाट की, ये दल्ली रहा जरा कांकेर जिला पड़ता है, ठीक है, ये रावघाट की पहाड़ी कहलाती है, ठीक है, जहाँ 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 से लोह आयस की आपूर्ति भिलाई स्टील प्लांट की जाती है, वो रावघाट की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद बस्तर का मैदान, ये बस्तर का मैदान, ठीक है, बस्तर का मैदान आ गया, ठीक है। उसके बाद बैलाडीला की पहाड़ी, आपको ये दिख रहा है, ये बैलाडीला की पहाड़ी है जहाँ पे नंदीराज चोटी स्थित है 1210 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये बैलाडीला की पहाड़ी है, ठीक है। उसके बाद आप बस्तर का पठार, ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है ये बस्तर का पठार एरिया, ठीक है, ये बस्तर का मैदान, ठीक है, यही पूरा बस्तर का पठार है, ठीक है। उसके बाद केशकाल घाटी, आपका केशकाल घाटी ये यहाँ पड़ता है, जैसे बारा भवर बोलते हैं ना, तेलीम घाटी यहीं पर देवी मंदिर का स्थान है जहां पर लोग दर्शन करके, यहाँ बारा भवर है, ये केशकाल घाटी, ठीक है, ये केशकाल इसमें पड़ता है, केशकाल घाटी कोंडा पानी है, ठीक है, यहाँ पे तेलीम घाटी है, ठीक है, तेलीम घाटी है। उसके बाद है आपका विंता घाटी, विंता घाटी भी यहीं पड़ता है, ठीक है, ओके, विंता घाटी पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद गढ़िया पहाड़, आपका गढ़िया पहाड़, आप गढ़िया पहाड़ नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, और आरी डोंगरी, अलबका पहाड़ी, ये जहाँ तक कि इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन अलबका पहाड़ी भी नारायणपुर में पड़ता है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, सबसे पहले आप मैप को समझने की कोशिश के, सबसे पहले आरी डोंगरी, आरी डोंगरी भी नारायणपुर में है, आरी डोंगरी, फिर रावघाट है आपका दलीरा जरा कांकेर एरिया, फिर अबुझमाड़ की पहाड़ी है नारायणपुर में, केशकाल घाटी, विंता घाटी, बैलाडीला पहाड़ी, कोटरी बेसिन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक समझ में नहीं आया तो कुछ कमेंट कीजिए, एक बार हम फिर से लास्ट टाइम रिवाइज करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप में, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में दक्षिण का पठार फैला है, ठीक है, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यह धारवाड़ युगीन है, यह धारवाड़ युगीन शैल है, ग्रेनाइट तथा नीस से समृद्ध होने के कारण इसे खनिजों की भूमि कहा जाता है, ठीक है, कारण इसमें लोह, टीन, कोरंडा, अम्भ्रक, हीरा पाए थे, इसी कारण इसे खनिजों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। भूगर्भिक बनावट क्या है, आर्कियन शैल समूह, आर्कियन शैल समूह, फिर आपका धारवाड़ शैल समूह, ठीक है, और जिसमें खनिज है क्या पाता है, लोह अयस्क पाया था, ठीक है, और ऊंचाई जो है ना 600 मीटर है, और सबसे ऊंची चोटी क्या है, नंदीराज 1210 मीटर, जो बैलाडीला के पहाड़ी में, ठीक है। उसके बाद जो वन है, यहाँ जो वन है, ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये साल वनों का द्वीप है, इसलिए छत्तीसगढ़ को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ फसल क्या पाई जाती है, यहाँ फसल पाई थी मक्का, कोदो, कुटकी, सावी, रागा, बाजरा, ठीक, ये पाई जाती है। और जो छत्तीसगढ़ में जो अपोहा तंत्र है, जो अपोहा तंत्र है, ये गोदावरी नदी अपोहा तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, गोदावरी नदी, दक्षिण में गोदावरी नदी अपोहा तंत्र के अंतर्गत है, ठीक है। और जो दक्षिण बस्तर की प्रमुख नदियां क्या है, या फिर इंद्रावती, कोटरी, सबरी, नारंगी, डंकनी, शंखनी, ये नदी है। और जो इसकी ढाल किस ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है, इसकी ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। प्रमुख उपभाग कोटरी नदी में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम बेसिन, ये दक्षिण पश्चिम बेसिन भाग में स्थित है, ठीक है। अबुझमाड़ की पहाड़ी, दूसरा अबुझमाड़ की पहाड़ी, तो आप ये देखिए नारायणपुर जिला में स्थित है अबुझमाड़ की पहाड़ी, फिर गोदावरी सबरी बेसिन यही आता है, फिर आपका दक्षिण का पठार, फिर ठीक है दंडकारण्य का भूस्थल, मतलब ये जो भू विभाग कितने पहाड़ियों में बटा हुआ है, जैसे कि रावघाट की पहाड़ी हो गया, बैलाडीला की पहाड़ी हो गया, आरी डोंगरी हो गया, रावघाट हो गया, केशकाल घाटी हो गया, तेलीम घाटी हो गया, कोटरी बेसिन हो गया, बस्तर का पठार हो गया, गढ़िया पहाड़ हो गया, अलबका पहाड़ हो गया, आरी डोंगरी हो गया, तो ठीक है ये बस्तर के पठार में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, तो ठीक है आज की वीडियो में बस इतनी, ओके।